ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के रामलोक मंदिर में जल्द ही नागलोक की स्थापना की जाएगी, ये जानकारी रामलोक मंदिर के बाबा अमरदेव ने दी। उन्होंने बताया कि रामलोक मंदिर उत्तर भारत का पहला नागलोक होगा, जहां यहां सभी के दुखों को दूर किया जाएगा और सुख समृद्धि दी जाएगी। आपको बता दें कि इस नागलोक की यह खासियत होगी कि 5 फुट ऊंची नाग माता की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाएगी। सोलन के रामलोक मंदिर में जल्द ही नागलोक की स्थापना की जाएगी, ये जानकारी रामलोक मंदिर के बाबा अमरदेव ने दी। उन्होंने बताया कि रामलोक मंदिर उत्तरी भारत का पहला नागलोक होगा, जहां पर ये सभी के दुखों को दूर करेगा और सुख समृद्धि लाएगा। आपको बता दें कि इस नागलोक की ये खासियत होगी कि 5 फुट ऊंची नाग माता की मूर्ति स्थापना होगी और नागराज की ऊंची मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। बाबा अमरदेव ने बताया कि रामलोक में भगवान शिव के आशीर्वाद से गौतम ऋषि को खुश कर नागलोक के सत्यापन की अनुमति ले नागलोक की स्थापना मात्र से हिमाचल आपदाओं से बचा रहेगा, वहीं धन धान्य की हिमाचल में कमी नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों को काल सर्प दोष है वो यहां आकर उस दोष को कम कर सकते हैं। नागलोक की स्थापना का आदेश मुझे भगवान शिव ने दिया है। वास्तव में नागलोक की स्थापना के लिए अष्ट सिद्ध नाग मंत्र को प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए तप करना पड़ता है। चूंकि ये अष्ट सिद्ध नाग मंत्र सिर्फ उनके पास है जिन्होंने गौ नामक इंद्री को अपने बस में कर रखा है। वो इस संसार में एकमात्र ऋषि गौतम ऋषि हैं। और अब हमने तपोबल से भगवान गौतम ऋषि को प्रसन्न करके वो अष्ट सिद्ध नाग मंत्र प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब श्री राम लोक में नागलोक की स्थापना होने जा रही है। इसमें 5 फुट ऊंची नाग माता की अष्ट धातु निर्मित मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनके साथ 18 फीट ऊंचे विशाल विशाल शेष नाग नागों के राजा की स्थापना होगी। नागलोक के बनने से हिमाचल प्रदेश में पूरे उत्तर भारत में भूकंप और आपदाएं कम हो जाएगी। चूंकि नागलोक ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है और हिमाचल प्रदेश में धन समृद्धि बहुत बढ़ेगी। और नागलोक की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि जिन भी मनुष्यों को जीवों को काल सर्प दोष है, सिर्फ दूध चढ़ाने मात्र से शेष नाग माता पर उनके काल सर्प दोष दूर हो जाएंगे।